यादव, आप सभी का ड्रेसिंग रूम की बातें के दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके प्रियजन सभी खुशहाल हो और सुरक्षित हो। दोस्तों, ड्रेसिंग रूम की बातें हमारा एक प्रयास है आप सभी को क्रिकेट से जोड़े रखना। आशा है हमारे इस प्रयास से आपको कुछ नई बातें सीखने मिलेगी और कुछ नई बातें हम भी आपसे सीखेंगे। तो फिर दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आज के एपिसोड के लिए सूत्र संचालन करेंगे ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज के जनरल सेक्रेटरी सौरव रवालिया। सौरव, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सबको आज के सेशन के लिए वेलकम। हमारा ये सेशन है ड्रेसिंग रूम की बातें, जो हमने सब हमारे जो दिव्यांग प्लेयर्स है, वर्ल्ड सीरीज के बाद बहुत बड़ा गैप होने की वजह से दूर थे, तो आज उनको कॉन्वर्जेशन के लिए आपको ये ड्रेसिंग रूम की बातें का नियोजन किया है। सो फर्स्ट में सब हमारे जो डिग्निटरीज है आज के लाइव सेशन में, उनका वेलकम करना चाहूंगा। करसन सर, और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन, और वाइस प्रेसिडेंट प्रसाद देसाई सर, और कोच सुलक्षण कुलकर्णी सर, एंड विनोद देशपांडे सर, मैं सभी को वेलकम करना चाहूंगा आज के इसके लिए। बच्चों, आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम लोग एक श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो हमारे महाराष्ट्र के दिव्यांग प्लेयर थे सचिन सनगर, जिनका 2 दिन पहले दुखद निधन हुआ था। तो हम लोग एक कुछ सेकंड शांत रह के उनको श्रद्धांजलि देंगे। थैंक यू गाइस। तो श्री सचिन संगर, वो महाराष्ट्र के बहुत बढ़िया ओपनिंग बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन थे। उनका राइट हैंड नहीं था, बिना राइट हैंड होने के भी उन्होंने अपनी बैटिंग की कला दिखाई थी हमारे दिव्यांग क्रिकेट में। एंड इज अ वेरी गुड जेम ऑफ अ पर्सन, जिनका कुछ कारणों की वजह से 2 दिन पहले दुखद निधन हुआ है। तो ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उनके फैमिली के लिए एक एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हम उनकी एक 10 साल की छोटी लड़की है जिसका नाम स्वरा है, उस स्वरा के नाम पे हम लोग ₹1,00,000 का डोनेशन देने जा रहे हैं, जो उनको FD के रूप में दिया जाएगा, और शी कैन यूटिलाइज दैट मनी फॉर हर एजुकेशन एंड एनी अदर पर्पस। सो दैट वॉज द थिंग। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे जो दिव्यांग प्लेयर है उनके साथ हम लोग जुड़े रहे, उनके साथ कांटेक्ट में रहे। तो भाइयों, ये ड्रेसिंग रूम की बातें जो है, इसका बेसिक कंसेप्ट मैं कुछ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ड्रेसिंग रूम एक ऐसी जगह है जो सिर्फ चेंज रूम नहीं होती है। ड्रेसिंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली प्लेयर बिल्ट होता है। देखो, हर बच्चा अपने स्टेट के लिए जब खेलता है या अपने देश के लिए खेलता है, तो अपने अपने कोचेस के पास से अपनी ट्रेनिंग तो लेके आता है वो। यानी बैट्समैन को बैटिंग आती है, बॉलर्स को बॉलिंग आती है, फील्डर्स को फील्डिंग आती है, पर एक्चुअली प्लेयर कहाँ बनता है? तो वो ड्रेसिंग रूम में बनता है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में उसको जो सीखने को मिलता है वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन का स्किल है, जो उसके पास स्किल डेवलप हुआ है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग का, वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने का स्किल, उसको मेंटली स्किल वहां मिलता है जो ड्रेसिंग रूम में मिलता है। तो ड्रेसिंग रूम का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे कॉन्वर्जेशन होता है उस कोचेस के साथ, उसका इंटरेक्शन होता है जो बड़े अच्छे प्लेयर्स है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन होके वहां पे उसका प्लेयर बनने का जर्नी एक्चुअली चालू होता है। सो ड्रेसिंग रूम इज एक्चुअली अ स्पेशल जगह है वो बच्चे के लिए, जहाँ पे वो एक कैरेक्टर बनना शुरू होता है। सो आज के सेशन में आप जो सवाल करेंगे वो सवाल ड्रेसिंग रूम के रिलेटेड हो तो सेशन में मजा आएगा, क्योंकि हमारे साथ जो डिग्निटरी जुड़े हुए हैं, जैसे करसन सर है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी जैसा बड़ा डोमेस्टिक
डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीता है, जो कोच के तौर पे उन्होंने काम किया है, उनका लाइफ पूरा जर्नी वो क्रिकेट में है, तो वो आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सुलक्षण कुलकर्णी सर है, वो भी काफी समय से अब कोचिंग में है, अपने टाइम के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, विकेट कीपिंग बैट्समैन थे, तो उनके साथ भी आप एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपके कैरेक्टर में कुछ बदलाव हो। प्लेयर्स तो सभी है, पर ड्रेसिंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पे कैरेक्टर बनना शुरू होता है। प्रसाद देसाई सर जैसे हैं, विनोद देशपांडे सर जैसे हैं, ये लोगों के साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस पूछ के, उनके एक्सपीरियंसेस पूछ के, आपके एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सीखने की जगह ये है ड्रेसिंग रूम के बातें हैं। हम लोग जो खेलते हैं वो ग्राउंड पे खेलते हैं, फिजिकल एजुकेशन हमारा ग्राउंड पे होता है, पर मेंटल एजुकेशन जो है वो ऐसे लोगों के साथ बैठ के, ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करके होता है जो आज होगा। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसे ऐसे सवाल पूछो जिससे आपका कैरेक्टर ग्रूम हो। सो आई वुड लाइक टू वेलकम करसन सर, एंड करसन सर आप वेलकम स्पीच के लिए आप ये करो। दीपक सर आप करसन सर को आंसर। Karsan sir, you are online, sir. Right, guys. You know, first of all, I would like to welcome all of you, and जो भी हम लोग को सुन रहे हैं या उनके पास कोई अगर सवाल है तो वो बेधड़क पूछ सकते हैं। और जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है और जिस तरह से हमारी टीम वर्ल्ड कप में खेली थी, और उसके अलावा आज जो हम काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात एक ही है कि यही टीम एक साथ जुड़ के, हाथ से हाथ मिला के, मेहनत से और सिंसेरिटी के साथ काम करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और ये खेल को, दिव्यांग क्रिकेट को वर्ल्ड मैप के अंदर बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हम लोग एक दूसरे का साथ चाहिए, हम लोग अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम होगा। और जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है उससे भी ज्यादा टूर्नामेंट हो सकती है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी। तो कोशिश हमारी सब लोगों की यही रहनी चाहिए, हमारे पास बहुत ही अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटिव है, खिलाड़ी तो है ही और उसके अलावा कोचिज भी है, और हमारे जो काम करने वाले लोग है और दे आर ऑल्सो सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप बस एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे से जुड़ के रहिए, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और करने की कोशिश जरूर करेंगे और हम लोग कामयाब भी हो सकते हैं। तो मेरी सिर्फ आप सबसे यही गुजारिश है कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड on a very regular basis, we should, have the meetings like this, talk about, unfortunately, ये कोरोना का ये जो दौर चल रहा है वो भी बहुत जल्द गुजर जाएगा, हम सबको उसके सामने फाइट करना है, और एक बार वो निकल गया और उसके बाद हमारी जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज स्टार्ट होगी और उससे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। Thank you, sir. I will now get Saurav back online. So, Saurav. Thank you, Karsan sir. और बच्चों अभी आप आपसे सवाल पूछ सकते हो, जो ड्रेसिंग रूम के लिए आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप पूछो, लाइव वेब पे दिखाए जाएंगे वो। दीपक सर आप उसको ट्रांसफर कीजिए, जिनसे आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर आई वुड मैं सजेस्ट करूंगा कि वी विल ब्रिंग इन देशपांडे सर एंड सुलू सर एंड दे कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन बिफोर वी ओपन अप द फ्लोर। सुलू सर आप अभी लाइन पे हो एंड I am unmuting Deshpande sir also. So Deshpande sir, आप भी लाइन पे हो एंड आप आपका तजुर्बा ड्रेसिंग रूम का ये हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं बोलूं?
हाँ पहले सुलु सर बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा उनके बाद यहीं से। या हाय गाइस, ड्रेसिंग रूम की बातें इसमें मुझे लगता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते एंटर करते क्रिकेट खेलने के लिए तो अपने शुरू से डे वन से लेके लास्ट तक हम लोग अपना एक ड्रेसिंग रूम होता है। वो ड्रेसिंग रूम किसी भी इसमें हो सकता है, फॉर्म में एक टेंट हो सकता है, बड़ा इंटरनेशनल का ड्रेसिंग रूम हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन उस ड्रेसिंग रूम में जो 15 प्लेयर होते हैं या उनके साथ कोचेस होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, उनकी जो बातें होती है वहां पे, जैसा भी बताया सौरभ ने बताया कि वहां पे एक कैरेक्टर होता है, वहां पे आपकी करियर आपका रिवॉल्व हो जाता है, आपके बचपन से लेके आपके एंड तक, आप क्रिकेट खेलते तक, बाद में आप कोचिंग भी करते हैं। जैसे हम भी कड़ू भाई का तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये ड्रेसिंग रूम में आप एक क्रिकेटर कैरेक्टर आप सब कुछ बनते हो, और इस ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे, ड्रेसिंग रूम एक मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूशन है। ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट की पूरी बातें सुन के कोई भी आदमी इंस्पायर होता है, बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसा ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला। जैसे मुझे मुंबई ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला अराउंड 13-14 ईयर्स, जिसमें दिग्गज लोग थे, जिसमें गावस्कर, वेंग सरकर, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, देन सचिन तेंदुलकर, संजय मांद्रेकर। सो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का जो एक मौका मिला, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो लाइफ में सीखने को मिला, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे वो भी ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मुझे एक भाग्य मिला, जो ऑल इंडिया फिजिकल एसोसिएशन टीम का जो अपना इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ, वो वर्ल्ड कप में भी जो हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया और जो मेमोरेबल हमने क्षण बिताए इंग्लैंड में, इंग्लैंड टूर्नामेंट जीत के, वो भी मेरे लाइफ के लिए पर्सनली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। सो ये सब ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, यू नो। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ आज ड्रेसिंग रूम के कुछ किस्से, एक दो किस्से शेयर करना चाहता हूँ। वो किस्से मजेदार भी है, लेकिन उस किस्सों में क्रिकेट भरा हुआ है। उस किस्सों में आप कुछ सीख सकते हैं, और ये दो किस्से सुनने के बाद आपने इसमें से क्या मॉरल लिया, क्या लेसन लिया, ये आप क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे या आप अपना क्वेश्चनर बनाएंगे और बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं पहला किस्सा शेयर करना चाहता हूं जो अजीत वाडेकर सर से ही जुड़ा हुआ है। मैं शुरुआत उनसे क्यों करना चाहता हूं कि वो हमारे जमाने में, हम जब छोटे थे, हमारे भगवान थे, सभी को मालूम है। उनके फोटो को, उनको पैर पड़ के ही हम कोई भी मैच खेलने जाते थे, टेनिस बॉल की हो या रबर बॉल की हो या सीजन बॉल की हो। और उसी वाडेकर सर के सामने मैंने जब बैंक ज्वाइन किया, बैंक मेरे जो बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, ही वॉज इन स्टेट बैंक, तो हमारी बैंक शील्ड की फाइनल थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जीत वाडेकर के सामने मैं मैच खेलूंगा, कभी सोचा भी नहीं था बचपन में। लेकिन उस दिन देखा, ये तो मैच थी क्रॉस मैदान में कर्नाटक ग्राउंड पे, तो सुबह मैं ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड में देखा तो अजीत सर, हनुमान सिंह, स्टेट बैंक की टीम बहुत बढ़िया थी, और जिस लेवल में टेस्ट क्रिकेट खेले, जो इंटेंसिटी से, उसी इंटेंसिटी से वो स्टेट बैंक के लिए मैच खेले आखिरी तक। तो मैं गया ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम में टेंट तंबू में गया, आदत के तरह चला, आज तो खुद ब खुद वाडेकर सर आए हैं, उनके पैर पड़ा मैं उधर जाके, सर नमस्कार। वाडेकर सर ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है, बोले सर ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऑल द बेस्ट किया, और उन्होंने एक ही बात बोली, ठीक है अभी आज सुने तू मला, मराठी में बोला, तू मला आज नमस्कार केला है आता, पण आज लक्षात ठेव मैच खेळताना आपण एकमेकांचे शत्रू आहोत, संध्याकाळी परत आपण भेटून बोलू मॅच संपल्यावर, मॅचचं काय आहे यू कॅन आस्क मी, पण दिवसभर यू आर प्लेइंग फॉर युअर बँक, आय एम प्लेइंग फॉर माय बँक, तो आपण मॅच त्याच इंटेन्सिटीने खेळायची, डोंट प्ले अंडर प्रेशर की मी अजित वाडेकरांच्या समोर खेळतोय, तू तुझा गेम खेळ आणि संध्याकाळी आय विल स्पीक टू यू, दिस इज वन इन्सिडेंट। अँड सेकंड इन्सिडेंट आय एम टेलिंग यू, इट इज अगेन्स्ट इंडिया अँड ऑस्ट्रेलिया at Wankhede Stadium. I was a liaison manager of Australia team then. And in old Wankhede Stadium,
दोनों ड्रेसिंग रूम के बीच में एक कॉमन प्लेस थी, उसी में से सभी को एंट्री होती थी, और वो कॉमन प्लेस में ही सब लोग, बाकी कुछ कुछ टाइम पास करना होता है या मैच के बाद या बैटिंग के बाद कुछ जाना, तो उधर आके बैठते थे। तो हम लोग सब उधर ही बैठ के सब दोनों टीम के प्लेयर के साथ चैटिंग वीटिंग, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते थे। एक पहले से हैबिट होती थी, उस टाइम पे मैच रेफरी या ACU वगैरह कुछ नहीं था, तो इट वॉज इन अ फ्रेंडली मैनर। एक बार तुम्हारा काम करता होगा इधर आके, दे यूज टू स्पीक टू अस। तो हम लोग मैथ्यू हेडन के साथ बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग टू मैथ्यू हेडन इन द ड्रेसिंग रूम, आउटर पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, एंड दोनों ड्रेसिंग रूम को कम्बाइन आउटर पार्ट था। अगर सुलक्षण सर और करसन सर को मालूम होगा, प्रसाद सर को मालूम होगा, वो ओल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड वानखेड़े स्टेडियम। उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और साइमंड्स आउट होके आया, साइमंड्स आउट होके आया तो कुछ उसको स्टेडियम में से पब्लिक ने बू आउट किया, मंकी 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 गेट उस टाइम पे हिट एंड हॉट पे था, तो ही वॉज एनॉयड, एक तो आउट हुआ था जल्दी और पब्लिक ने उसको भड़काया था। तो हम लोग इधर जब बात कर रहे थे, ऐसा आवाज आया, खा खुट 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 ऐसा आवाज आया कुछ, समझ गया कुछ तो ड्रेसिंग रूम में हो गया है। इसने साइमंड्स ने आके ड्रेसिंग रूम के कांच पे एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था ड्रेसिंग रूम में, वो तो कांच तोड़ दिया उसने। तो सब लोग स्टन हो गए, अभी हम लोग भी डर गए, सब क्या करेंगे अभी, कैसे करेंगे अभी, ये तो कांच पूरा ड्रेसिंग रूम में कांच हो गया। तो मैंने हमारे हाउसकीपिंग को बुलाया, बोला जरा मॉपिंग और ये झाड़ू लेके आना, ट्रे झाड़ू लेके आना। वो आया बेचारा, हमारा हाउसकीपिंग का रहता था। तो मैथ्यू हेडन ने उसको स्टॉप किया, बोला नो 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 यू कांट गो इनसाइड। बोला अरे बाबा ये क्या प्रॉब्लम है, बोला तो साफ तो करना पड़ेगा ना। नो 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 ही विल नॉट गो इनसाइड, गिव इट टू मी। उसने वो झाड़ू और ये लिया, वो अंदर जाके कॉर्नर में रख दिया उसका एंट्री गेट पे उधर। और आफ्टर टू मिनट्स ऐसा सीन था, यू विल नॉट बिलीव, हम लोग सब स्टन रह चुके। एंड्रू साइमंड्स ने पूरा ड्रेसिंग रूम क्लीन किया झाड़ू से, और ट्रे में ये डाला, मॉपिंग किया, बाहर आया, वो सब सामान दे दिया, और ही सेड सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैं नहीं करना चाहिए था, उसके उसके लैंग्वेज में बोला उसने, ये नहीं करना चाहिए था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी बैड। तो रियली इट वॉज अ टेरिफिक एक्सपीरियंस फॉर अस, एटलीस्ट ये लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जो है, तो एवरीबडी वॉज स्टन, बट हो गया, देन वो नॉर्मल हो गया एकदम। इन द इवनिंग अगेन, इन द इवनिंग मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जस्ट हम लोग बैठे थे उधर, और आफ्टर द मैच ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी फ्रेंडली, आफ्टर द मैच हेड ओवर तो सबको इन्वॉल्व करते हैं, उनके जो कुछ ड्रेसिंग रूम के में कुछ शाम को इवनिंग को जो कुछ पार्टी वगैरह थी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे, बट जब ड्रेसिंग रूम उन्होंने छोड़ा, नॉर्मली वानखेड़े स्टेडियम में क्या प्रोसीजर रहता है कि ड्रेसिंग रूम क्लीन करने के लिए या उधर के चेयर्स वगैरह रखने के लिए हमारा सपोर्ट स्टाफ मीन्स जो ग्राउंड स्टाफ और हाउसकीपिंग का स्टाफ आते हैं, तो उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया अंदर। सुबह से शाम तक उनका जो चाय का कप्स या कोल्ड ड्रिंक्स या जो कुछ उन्होंने कुछ खाया होगा स्नैक्स लिया होगा, एंटायर ड्रेसिंग रूम वॉज क्लीन बाय मैग्रा, शेन वन एंड हेडन। उनका तीन जन का ड्यूटी था उस दिन, दे यूज टू शेयर द ड्यूटी, आज आप करना है, तीन ये तीन, तो तीनों ने पूरा ड्रेसिंग रूम एक बकेट लिया, पूरा ड्रेसिंग रूम ईच एंड एवरी थिंग्स उन्होंने उसमें डाल दिया, और एंटायर ड्रेसिंग रूम वॉज क्लीन जैसे कंडीशन में उनको मॉर्निंग में दिया था, उसी कंडीशन में उन्होंने वो ड्रेसिंग रूम हमें शाम को दिया। तो इट वॉज अ लेसन फॉर मी, एटलीस्ट एज अ क्रिकेटर मैंने ये कभी देखा नहीं था, इंडियन अपना मुंबई के ड्रेसिंग रूम में प्रीवियसली इतना कुछ डिसिप्लिन नहीं था। Then we started this systems in our age group cricket. When we used to go as a manager or administrator, wherever we started, Sulakshan sir must be knowing because I was with him for so many times. And we followed these systems. And now Indian team is also following the same system which is Australia is following since past so many years. So this is two stories I told you. Now you can guess and you can ask any questions. ये कैसे होता है, और यू कैन टेक सम दिस एज अ लेसन्स।
back to Deepak. थैंक यू सर. सुनो सर, तुम्हाला आपको एक सवाल है कि जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी फिजिकली चैलेंज, तो वहाँ का ड्रेसिंग रूम का माहौल और वहाँ पे जो कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ से बॉयज ने इंस्पिरेशन लिया हो या वहाँ से पूरा चेंज हो गया हो इंडियन टीम का माहौल. यस, इंग्लैंड में हम लोग जब गए थे तो वहां पे ऑलरेडी पूरी टीम इंस्पायर थी, क्योंकि उसके पहले हमारा एक 5-6 डेज का शेगांव में कैंप हुआ था. उस कैंप से, वो कैंप इतना ब्यूटीफुल कैंप हुआ था, इतना बढ़िया कैंप हुआ था, उसमें पूरे 20 प्लेयर जो थे वो काफी इंस्पायर थे. उसके बाद हम लोग इंग्लैंड में जब गए तो वहां पे भी एक टूर्नामेंट के पहले 5 डेज का बहुत अच्छा अरेंज किया था, प्रिपरेटरी कैंप के अरेंज किया था वहां पे, जस्ट टू यू नो वहां पे एक्लिमेटाइज होने के लिए. तो वो कैंप भी बहुत अच्छा रहा. और उसके बाद जब मेन टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो वो टूर्नामेंट के टाइम ड्रेसिंग रूम बहुत ही हैप्पी एंड चेयरफुल ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि सबको पता था कि नहीं हम लोग ये टूर्नामेंट जीत के जाएंगे. ये जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, मैंने बहुत ही रेयरली देखा कि टूर्नामेंट के पहले सारे प्लेयर्स को अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे भरोसा था कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीतेंगे. देन कुछ मैचेस ऐसे हुए, मैं एक दो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि वहां पे कैरेक्टर दिखता है, उस टीम का कैरेक्टर दिखता है या कुछ इंडिविजुअल प्लेयर का कैरेक्टर दिखता है. एक मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड वी वर चेसिंग अराउंड 80 रन्स, वी वर 8 रन्स एंड 4 विकेट्स. तो जब वो सिचुएशन आया तो थोड़ा देर के लिए ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था कि अरे ये क्या हो गया और अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि 76 रन और करना था. लेकिन उस मोमेंट में हमने एक डिसीजन लिया कि जो रेगुलर बैट्समैन को नहीं भेजते हुए हमने एक हमारे ऑलराउंडर को भेजा, जो अनिश राजन था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन. और इसके लिए कि एक कभी कभी लाइफ में गैम्बल करना पड़ता है, गैम्बल लेना पड़ता है, कभी सक्सेसफुल होता है कभी नहीं सक्सेसफुल होता है. लेकिन वो गैम्बल हमने लिया, अनिश राजन को हमने उस टाइम के नंबर 6 पे भेजा एंड सामने था हमारा कैप्टन विक्रांत केणी. उस दिन उसने जो इनिंग खेला, जो खड़ूस इनिंग खेला, अराउंड 40 ऑड नॉट आउट किया उसने, वो इनिंग में मैंने एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर देखा कि टेम्परामेंट, व्हाट इज टेम्परामेंट, अगर हाईएस्ट लेवल पे अगर टेम्परामेंट दिखाना है तो क्या दिखाना है. वो विक्रांत केणी ने उस इनिंग में दिखाया एंड अनिश राजन और उसका दोनों का पार्टनरशिप हुआ और हम लोग 80 करके मैच जीत गए. वो एक इंसिडेंट. एंड देन दूसरा इंसिडेंट था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया पाकिस्तान मैच, जहां पे हमको कुछ 150 ऑड करना चेस करना था. और हमारे ड्रेसिंग रूम में एक स्ट्रेटेजी हुई थी कि पाकिस्तान का जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर था, जो तब तक हर मैच में सिंगल हैंडेडली मैच जिता के दे रहा था विकेट निकाल के, तो उसको सिर्फ जरा पहले 2 ओवर उसको चांस नहीं लेना है, भले कितने भी रन हो, 4 ओवर में 4 रन हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसके बॉलिंग पे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है और खेलना आराम से. क्योंकि 4 ओवर में मैक्सिमम वो 2 ओवर डालता, शायद तीसरा ओवर, क्योंकि तीसरा ओवर नहीं होता था अगर विकेट नहीं मिलता तो. तो वो हमारी स्ट्रेटेजी थी एंड चेसिंग 150 ओवर, हम लोग 4 ओवर में सिर्फ 7 रन थे. तो मुझे लगा कि ये अभी ये थर्ड ओवर नहीं डालेगा. लेकिन वो जब थर्ड ओवर डालने आया तो मैंने एक मैसेज दिया था हमारे वासिम और कुणाल फंड से, ये ओपनिंग कर रहे थे. तो तब मैंने एक छोटा मैसेज दिया कि जब वासिम बैटिंग को आया, वासिम स्ट्राइक पे था, तो बोला ये ओवर में इसको भी चांस ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद वो डालेगा नहीं और आप लोग पूरे सेट भी हो गए हो. और वासिम ने उस ओवर में उसको 23 रन्स मारा. वहां पे हम लोग पूरा चेंज कर दिया, पूरा वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, यानी पाकिस्तान टीम उस पर्टिकुलर ओवर में पूरे हिल गए थे एंड उसके बाद वो कमबैक करने को कोई मौका नहीं था. शायद हमने 15 ओवर में 150 चेस किया. तो ये जो ड्रेसिंग रूम में जो कुछ चीजें होती है, ये जो मैसेज आता है या कैरेक्टर होते हैं, ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये इंग्लैंड में हमने इसी टीम को देखा कि यार ये टीम है, क्योंकि इसीलिए ये टीम इतने कॉन्फिडेंट बात कर रही थी कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे करके. कुछ भी हो, कोई भी आप कुछ भी करो, इंग्लैंड की जो फाइनल मैच हुई उस मैच में इंग्लैंड ने बाउंड्री रोप बढ़ा के फ्रॉम 60 यार्ड टू 75 यार्ड कर दिया था, क्योंकि सेमीफाइनल उन्होंने अफगानिस्तान का अगेंस्ट वैसे ही बाउंड्री बढ़ा करके, उन्होंने बाउंसर थियरी यूज करके सारे प्लेयर, उनके मैक्सिमम बैट्समैन बाउंड्री पे आउट हो गए थे. वही रूल उन्होंने हमारे अगेंस्ट भी अप्लाई किया, लेकिन अपने प्लेयर इतने अच्छे खेले, इतने टैक्टिकल, इतने अच्छे खेले कि किसी ने भी एयर में मारा नहीं बॉल. तो ये जो टैक्टिकल सारे मूव होते हैं,
और वो अप्लाई करना होता है वो ड्रेसिंग रूम में हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजी डिस्कस बहुत होती है, एक मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि अपने पास बहुत कुछ स्ट्रेटेजी होती है लेकिन वो प्लेयर को अप्लाई करना पड़ता है। जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तभी लगता है कि टीम सही जा रही है, और वो टीम सही कर रही थी क्योंकि उस टीम को कॉन्फिडेंस था, एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस था, एंड इसके लिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। और जिस फैशन से वर्ल्ड कप जीते, हैट्स ऑफ, कि पूरी टूर्नामेंट की हम लोग टोस्ट ऑफ द टीम थी पूरे टूर्नामेंट की। या ओवर टू शिवा सर। ग्रेट, थैंक यू सुनू सर, इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपने जो बताया कि आपको मौका मिला कि सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स के साथ आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला, जैसे विनोद देशपांडे सर ने बोला कि वाडेकर सर तो हमारे मेंटोर है ही, यानी वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो आई वुड आस्क टू करसन सर फ्यू शेयर फ्यू एक्सपीरियंसेस विद वाडेकर सर, क्योंकि शायद वो खेले भी है वाडेकर सर के साथ, तो उनके एक्सपीरियंस भी काफी ये है। तो आई वुड लाइक टू आस्क करसन सर टू शेयर सम एक्सपीरियंस वाडेकर सर। वेल, व्हेन आई स्टार्टेड नो प्लेइंग फॉर मुंबई in the Ranji Trophy, Ajit Wadekar was my captain, and my first match was for Mumbai. I was little hesitant to play for Mumbai because I thought Mumbai had a very very strong side, very strong players like Ashok Mankad and Gavaskar and Ramnath Parkers and Ajit Pai and so many Dilip Sardesai. They were all great players. So in the beginning I was little hesitant, but Ajit Wadekar, Pauly Umbrigar and Madhav Mantri gave me the assurance. I had just told them, sir, if I play for Mumbai and if I don't do well in first game or the second game, what will happen? Then I'll be just pulling my heels in the reserves. They said, no, we will give you 4 league matches, irrespective whether you do well or not, and all you will play all 4 games, and if you do well in 4 games, then no, you don't look back and the sky is a limit. So that gave me so much of confidence. And in my first game against Gujarat, and the game was played at Nadiad, playing for Mumbai, Ajit Wadekar was captain, and Ajit Wadekar had given me all the free hand. He said, you play your game, do what you want, you just need to just tell me what kind of fielding you require. So the fielding was always a normal, 2 sleeves or 3 sleeves and a gully and mid off and mid on and square leg and all that. And he set the fielding, and my first game I picked up 6 wickets in Ranji Trophy, my first inning only. And after that I never looked back for Mumbai, playing for Mumbai. I played for 12 years, right from 1972 till 82-83. But, and I thoroughly enjoyed the greatest ever, the dressing room experience, sharing, the place, with greats like, Ashok Mankad, Sunil Gavaskar, many others like, later on, Sandeep Patil, Dilip Vengsarkar, and Balwinder Sandhu, many. I think, on a dressing room atmosphere, a lot of things have been discussed, but, that is the place, it's like it takes a lot of, learning space, learning, dressing room, you can learn so many things, from the greats. And I'm nothing new to it. I've learned from myself quite a few things, in the dressing room, how they talk, how they behave. At lunchtime or even at tea time, they were all serious, when the match is on. But there's the same dressing room, it changes so drastically and so immediately after the match is over. The dressing room atmosphere is totally different after the game is over, and everybody at their best element. And I can never forget, having a great time with, like Abdul Ismail or Ajit, Ajit Bhai, Gavaskar, Mankad, and they were all, absolutely hilarious characters. And especially after the match is over, guys like Ashok Mankad and
Gavaskar, they were the mainstay of the dressing room. They had a lot of, you know, stories to tell. And then a little later, you know, another dressing room ki jaan was Sandeep Patil, you know, Bandy Wadekar, Abdul Ismail. They were all great characters. And dressing room can teach you many, many things. You know, there are some good ones. And I don't want to mention the bad ones. But it happens. Like, you know, many times, sometimes, you know, some bad words are spoken. But I know we don't want to discuss about all those things. We just want to talk all good things about the dressing room. And dressing room is a place where you can, जिस तरह से प्लेयर को जो मोल्ड में लाते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है. तो आई रियली एंजॉयड, यू नो, बीइंग इन द मुंबई ड्रेसिंग रूम. आई थरली एंजॉयड इट. एंड आई, यू नो, आफ्टर आई बिकम अ कोच ऑफ मुंबई टीम, वी ऑलवेज, यू नो, कंटिन्यू टू डू सो. वेल, सुलक्षण वॉज अ पार्ट ऑफ द मुंबई टीम व्हेन आई वॉज अ कोच. एंड वी हैड अ ग्रेट टीम अगेन देन. And we won the Ranji Trophy Championship in 94, where Sachin was a captain. We had, you know, Sanjay Manjrekar, we had Salil Ankola, we had Ravi Shastri. But unfortunately, after the league phase, you know, all these four, you know, stalwart, you know, they had to go on a national duty. And we were, you know, without the four test players. And the way, you know, Ravi Shastri led the young team, we had, you know, Jatin Paranjpe, Sulakshan Kulkarni, Patil. We had, you know, Sairaj Bautule. We had Paras Mamre, Barucha. And then we had Jatin Manish Paranjpe. We have Manish Dokla Pandey. So, I mean, Dokla was just his pet name. Manish Patel. Everybody used to call Manish Sir Dokla. Probably, I think he was a Gujarati. Anyway, but it was a great experience, you know, having spending time, you know, in the dressing room with this young team, and they deliver the goods like you know, like a champions. And Mumbai has always been a champion team. I love it. Over to you. Great. Yes. Thank you. Thank you, Karsan sir. It was nice to hear your experiences in the past. Sir, ek Sulakshan sir, aapke liye question hai. Hamare ek Shiva karke opening batsman hai. Unhone ek question kiya tha aapke liye ki most of the time jo kam score ke matches hai, wo phas jaate hai. Basically, jo kam scoring ka chase hota hai, wo due to some wicket ka problem ho ya iski wajah se wo पहली वाली टीम कम स्कोर करती है. एंड देन वो मैच बहुत बार हमने देखा है कि कम स्कोरिंग के मैचेस फंस जाते हैं. तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन वो सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, क्या वो मैच जल्दी खत्म करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके लिए आपका ओपिनियन चाहिए उसको. देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कम स्कोरिंग के मैच में थोड़ी साइकोलॉजी हो जाती है कि यार ये तो इजी टारगेट है, ये तो हो जाएगा, ये तो क्या आराम से करेंगे. और क्या होता है, थोड़ी कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि यार मैं नहीं करूंगा तो वो करेगा. एक एग्जांपल देता हूं, 1983 वर्ल्ड कप में अपना 183 हुआ था अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज उस जमाने में. तो उस टाइम सभी को लगा, अने ना ही उनको कि अपने को भी लगा कि यस 183 तो आराम से करेंगे. और जिस तरीके से विव रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, मुझे लगा 2500 में मैच खत्म हो जाएगा. लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, क्रिकेट में मिरेकल होता है. और वो 183 करने को भी कुछ टाइम लगता है. तो हमेशा जब लो टोटल रहता है, लो स्कोरिंग रहता है, उसमें कभी कॉम्प्लिसेंट होना नहीं चाहिए. और जब तक लास्ट रन क्रॉस नहीं करते तब तक आप मैच जीते नहीं, वो ये समझना चाहिए. देन एज अ ओपनिंग बैट्समैन करके, ओपनिंग बैट्समैन को तो आपको नया बॉल खेलना ही है. तो बॉल स्विंग हो सकता है, सीम हो सकता है, बाउंस हो सकता है, ये सारी चीजें लेनी चाहिए. और प्लस आप अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हो, जब चेसिंग कर रहे हो, इसका मतलब है जब लो टोटल हुआ है तो विकेट आपने देखा है कि विकेट का बाउंस कैसा है, पिच कैसा है, तो वो रीड करके तो आप और भी अलर्ट होना चाहिए. और वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जो ओपनिंग बैट्समैन का प्रोसेस रहता है कि पहले एक 7-8 ओवर 10 ओवर खेल के निकाले. अगर आप वनडे खेल रहे हो, अगर आप T20 खेल रहे हो, तो उसमें भी आपको टाइम मिलता है. मान लो अगर एक 70-80 या 100 रन चेस कर रहे हो, तो 100 रन 20-20 करने में 20-20 ओवर्स में तो आपको थोड़ा टाइम मिलता है.
एक 4-5 ओवर का टाइम मिलता है, आप सेटल हो जाओ, टाइम स्पेंड करो, फिर पार्टनरशिप करो, और एक बार पार्टनरशिप होने के बाद सामने वाली टीम भी थोड़ी हो जाती है। तो ऐसे करके आपको प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि 100 करते तक आप 5 और 6 ओवर में कर नहीं सकते, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भी प्लेयर होगा उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको 2 ओवर या 4 ओवर में 100 या जो लो टोटल होगा नहीं, आपको अपना प्रोसेस जो रूटीन प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना है। ओवर टू यू। ग्रेट, थैंक यू सुलक्षण सर, दैट वाज अ नाइस आंसर। आई थिंक शिवा विल बी मोर हैप्पी विद आंसर। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस प्रसाद सर। प्रसाद सर आप इज इट लाइव? हेलो प्रसाद सर। प्रसाद सर आप बहुत समय से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इनके सिलेक्शन प्रोसेस में जुड़े हुए, शायद आपने सचिन तेंदुलकर को भी उसके बचपन से देखा है, विनोद कांबळी को देखा है, फिर बहुत सारे मुंबई के टैलेंटेड प्लेयर्स, सुरेश है अपना प्रेजेंट प्लेयर्स, अय्यर, श्रेयस अय्यर को देखा है जो राइट नाउ इज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर इन आवर इंडियन टीम। ये सब बच्चे आपके सामने खेले हैं, जब आप सिलेक्टर के तौर पे इनके साथ में काम किया है, तो आपने बच्चों को बहुत नजदीकी से देखा है, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि आपने उनमें क्या डिफरेंस देखा है, कि यानी एक ऑर्डिनरी प्लेयर और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नहीं, मैं पहली बात तो ये चीज कहना चाहूंगा कि जब कोई बंबई के लिए या फिर इंडिया के लिए खेलता है तो वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का डिफरेंस होता नहीं है उसमें। ऐसा लेकर जब कोई कोच चलता है कि सारे 15 बच्चे मेरे एक ही टैलेंट के हैं, तो फिर जीतना आसान हो जाता है, पर एकाध मैच खराब हो सकता है, पर जो प्लेयर्स अभी इनसे आगे जो निकल गए हैं वो सिचुएशन हैंडल करने में बिल्कुल माहिर लोग हैं। समझो जैसे सुलक्षण सर ने अभी बताया कि लो स्कोरिंग टोटल है, पता है विकेट थोड़ी डाइसी खेल रही है, जब सामने वाली टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं वो सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। इनसे भी कई बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, प्लेयर्स हैं, पर वो सिचुएशन मेंटली वो लोग टफ नहीं होते। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे जो बोलते हो आप, वो सिचुएशन हैंडल करके मैच फंसी हुई होगी या फिर मैच फंसने नहीं देते, वो मैच को थ्रू लेके चले जाते हैं। इसीलिए इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज है वो सिलेक्टर्स देख लेते हैं और फिर ये सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा कोच कभी भी कोई प्लेयर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी बोलता नहीं है, वो सबको साथ में लेके ही खेलता है। पर जो सिचुएशन हैंडल करके मैच जीता गया, बैट्समैन की बात नहीं, बॉलर भी होता है कि कभी कभार हमारी लो स्कोरिंग मैच हो जाती है और सामने वाली टीम को उस रन के बदले में पहले ही आउट कर देता है। तो दोनों साइड होता है, खाली बैट्समैन का गेम नहीं, बॉलर भी होता है जो लो स्कोरिंग मैच जिता के देता है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सर। वैसे आपका एक्सपीरियंस सब बच्चों के साथ बहुत बढ़िया है, और जो आपने सर्च किया है शायद वो सर्च ही आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं देख के, और उनसे ही कुछ सीख रहे हैं हमारे बच्चे, तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें आप थे इतने सालों से। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से विनोद सर को पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने आपका एक एक्सपीरियंस बताया था कि जो डिसिप्लिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने ड्रेसिंग रूम क्लीन करके दिखाया था, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था करके उन्होंने ये किया, या फिर उनके कल्चरल ये ही ऐसा होता है कि ये उनको करना था या करके हमेशा ही करके जाते हैं, या उसके लिए यानी हमारे बच्चों का अप्रोच कैसा होना चाहिए कि ये जो है ये बहुत बड़ा जेस्चर है कि ये एक इंटरनेशनल टीम इंडिया में आई और उन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम क्लीन किया, यानी कुछ समझो एंड्रयू साइमन से गलती हुआ करके उसने अपना वो क्लीन किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर जो मैग्रैथ ने शेन वॉन जैसे बड़े प्लेयर, हेडन जैसा बड़ा प्लेयर जिसको जिसका एक नाम है बहुत बड़ा, जिसका एक ये है, ये लोगों ने इतना डिवोटेडली वो करना, ये बहुत बड़ी चीज है, तो हमारे बच्चे इसमें से क्या सीखे? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये मैंने मैथ्यू हेडन से बात करते बातों बातों में पूछा ये क्या है, तो बोला दिस इज अवर फाउंडेड कल्चर,
मींस ये पहले से ही उनका ये कल्चर ही है, सिंस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे हैव टू डू इट, तो उनको उसमें कोई गलत नहीं लगता है ये बकेट उठाना और उसमें सब टी के जो ग्लासेस है डालना, पानी के ग्लास, वो मतलब ये तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही कल्चर है, स्पोर्ट्स में तो है बट ओवरऑल जनरल में भी हमारे वहाँ वैसे ही कल्चर है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो ये जो उनका जो नेचुरल कल्चर है वो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी हमारे एमसीए में लाएंगे, और अभी सुलू सर को भी मालूम है, सुलू सर के साथ भी इज वन ऑफ द दिस थिंग, बट बहुत सारे टीम्स के साथ में था, जैसे मुंबई टीम के साथ था, इंडिया टीम के साथ, इंडिया इवन इंडिया ए टीम के साथ भी जब मैं था, सिंगापुर में गए हम लोग एशिया कप के लिए, उस टाइम भी हम लोगों ने ये कल्चर, जब बेंगलोर में हमारा कैंप हुआ उस दिन कैंप में जो स्पीचेस देने रहते उसमें मैंने ये एक मोटिवेशनल स्पीच दिया कि इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट डे कैंप के शुरू में बेंगलोर में जो कैंप था उसी में हमारे बच्चों ने ये फॉलो करना चालू किया, फिर उसमें एक को कैप्टन बना दिया कि चलो ये बैचेस तू बनाएगा, हमारा जो वीडियो एनालिस्ट था देवराज राउत, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने सबके बैचेस बनाए, और थ्रू आउट द सीरीज एंड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट हम लोगों ने ये फॉलो किया, और वही हम लोग मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, अगर शुरू सर को मालूम होगा तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 के टीम में भी हम लोग फॉलो किया, एवरीबडी हैज फॉलोड इट इन अ गुड वे, और जो कोई फॉलो नहीं करेगा उसको एक पेनल्टी लगाई थी, और पेनल्टी के पैसे जमा करके एंड ऑफ द सीजन सबको बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसे सबको वो प्राइजेस देना चालू किया, वही कल्चर अभी आई थिंक ये कल्चर अभी सभी जगह पे इंडियन टीम में तो है ही, बट बाकी के टीम में भी, स्टेट टीम्स में भी मैंने फाइंड आउट किया कि सभी लोग मोस्टली ये फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली राजकोट टीम, जो सौराष्ट्र टीम अभी कडू भाई भी उनके साथ है, पुजारा वगैरह एक हम जो वेस्टर्न में गए थे तो उन्होंने कल्चर लेके गए उधर, तो मोस्ट ऑफ द टीम्स आर फॉलोइंग, अरे नेचुरल प्रोसेस है उनका, ये अभी ये कोई उन्होंने उनको जबरदस्ती नहीं किया है, उन्होंने कोई लादा नहीं है उनपे, इवन हमारे यहाँ भी जो कोई है उन पर कोई फोर्स नहीं किया है, इट इज नॉट एनफोर्स्ड, ये जो अगर कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो ही इसमें मजा आता है। एब्सोल्युटली, ओवर टू यू। थैंक यू विनोद सर, तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें से हमारे दिव्यांग भाइयों ने भी सीखना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम का yes. माहौल कैसा होना चाहिए, हमारे yes. अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए yes, sir, डिसिप्लिन yes. जो डिसिप्लिन के लिए हम लोग ने एक कॉम्पिटिशन भी रखा था कि क्लीन योर किट का, एक प्रसाद देसाई सर ने एक ये दिया yes, था yes, yes. आपकी क्लीन किट साफ रखो, ड्रेसेस आपके अच्छे रखो, जेस्चर बनता है जब हम लोग ग्राउंड पे उतरते एज अ क्रिकेटर, वो व्हाइट ड्रेस या हमारा ड्रेस परफेक्ट हो, टॉप हमारा इन किया हो, कैप अच्छे से मोल्ड करी हुई हो, ग्राउंड पे उतरते पैड खराब ना हो, पैड अच्छे हो, शूज क्लीन हो, तो इससे टीम का जेस्चर बनता है, अपना एक पर्सनालिटी भी दिखता है वहां पे yes. और वो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे कि हमारे कपड़े अच्छे हो तो कोई मीटिंग में जाओ तो अलग तरह का हमको एक कॉन्फिडेंस होता है। बच्चों के तरफ से कुछ सवाल आ रहे हैं, फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, वसीम इकबाल ने स्पेशली से थैंक्स टू सुलक्षण सर, क्योंकि उनके गाइडेंस के वजह से वो कह रहा है कि उनके गाइडेंस के वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका जो इनिंग हुआ था, बिकॉज ऑफ गाइडेंस ऑफ सुलक्षण सर ही मेड इट पॉसिबल, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। और सुलू सर ने कुछ हुबली में भी उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो आई वुड लाइक टू आस्क सुलक्षण सर के वो क्या आपने स्पेशली वसीम के साथ क्या शेयर किया था, वो सब लोग बच्चे भी सुनना चाहेंगे आपसे। नहीं, वसीम का थोड़ा इंग्लैंड में मैं देखा कि थोड़ा स्पिनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, फास्ट बॉलर को तो अच्छा ही खेल रहा था, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फास्ट बॉलर को अच्छा खेलना, क्योंकि बहुत अच्छा उसका फ्लो, ब्यूटीफुल फ्लो, लेकिन थोड़ा सा जब स्पिनर आता था, स्पेशली लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने वहां पे भी प्रैक्टिस करके हमने स्पेशल सेशन किया वहां पे, और वो सेशन में दो तीन सेशन प्रैक्टिस सेशन में जितने भी अपने लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे
उनको सबको नेट में लगवा किए, अराउंड 2-3 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके, इवन इंडोर में भी हमने प्रैक्टिस किया। और उस प्रैक्टिस में मैं चाहता था कि ये वसीम सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर को खेले, क्योंकि फास्ट बॉलर को तो वैसे भी अच्छा ही खेल रहा था। तो कर करके एक बार तो उसको बताया भी हाउ टू प्ले विद द स्पिन, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर को, तो ये कहा किया। लेकिन वासिम ने ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसने वहां पे वो प्रैक्टिस करने के बाद एक मैच आया, उस मैच में मुझे याद है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो उन्होंने पहले ओवर में पहला जो पावर प्ले का ओवर था वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए थे। तो उस बॉलर को वासिम ने 2 सिक्सेस मारे थे विद द स्पिन, लॉन्ग ऑफ पे मारे थे, लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन में, एक लॉन्ग ऑन में। तो वो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस के पीछे उसकी हार्डवर्क और उसकी प्रैक्टिस थी। ये होने के बाद जब वो हुबली में आया, तो हुबली में थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहा था, ऐसा मुझे उसने 2-3 दिन पहले फोन करके बता भी था कि सर मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैंने जब हुबली में हम लोग आए थे तो उनको बताया कि बोला इससे वरी नहीं करना कि 2-3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं होता है, यू आर ऑलरेडी अ बिग प्लेयर, यू आर ऑलरेडी अ इंडिया परफॉर्मर। तो आप इंडिया के परफॉर्मर होने के बाद वर्ल्ड कप में आपने इतनी ब्रिलियंट इनिंग खेली है, मैच जिताया, यू आर हीरो। तो ये 1-2 मैच से कोई ऐसा कोई ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं लेके जाना चाहिए। तो बेस्ट क्या होता है इसमें कि ऐसे टाइम पे आप अपना बैलेंस रहो, देन गो टू द बेसिक्स, व्हाट इज बेसिक्स, ट्राई नॉट टू प्ले एनी फैंसी शॉट, नहीं खेलना है, आप अपने बेसिक पे रहो, वॉच द बॉल, थोड़ा वी शेप में खेलने को देखो, एंड ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड। तो जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट मैच में लगता है शायद कुछ 60-70 चेस करना था और इसको 4 नंबर भेजा था वसीम को, एंड विक्रांत केणियन वसीम बैटिंग कर रहे थे, तो वसीम ने 20 बॉल में 17 नॉट आउट किया। तो मुझे शाम को उसने फोन किया कि सर मुझे ये 17 नॉट आउट, मुझे 100 के बराबर, मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इतनी खुशी मिली कि मुझे वो 100 के बराबर थी, क्योंकि मैं आपने जो बोला कि टाइम स्पेंड करो तो मैंने टाइम स्पेंड किया और मुझे लगा उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ये सारी ये थी, तो मे बी लगता है यस, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर वासिम। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुरक्षण सर। आई थिंक वो वसीम का जो एक्सपीरियंस था वो आपने जो शेयर किया वसीम के साथ, वो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। आई वुड रादर से कि जो जो प्लेयर्स ने अभी 20 बच्चों ने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग पाया है, लाइक अ कोच, मैंने आपके जैसे कोचिंग और आपके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ टाइम स्पेंड करके वो लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया है 20 बच्चों ने, तो मेरे को लगता है डोमेस्टिक लेवल पे उनका परफॉर्मेंस लेवल हाई ही होना चाहिए। बिकॉज एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने बताया कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि आपने उधर इंडिया के लिए परफॉर्म किया है, तो डोमेस्टिक लेवल पे आप एग्जांपल सेट करो कि डोमेस्टिक प्लेयर आपसे इंस्पायर होके आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। सो दैट इज द ग्रेट थिंग आई वुड से। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि आप जो बता रहे थे कि वसीम इकबाल थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो वो मेरे साथ भी बात कर रहा था कि कश्मीर में वो कुछ रिसेंटली कुछ बारिश बिरिश होने की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। बोला कि खुद पे बिलीव करो और खेलो। जैसे मेरे को एक डिफरेंस लगा कि आवर कैप्टन, आई वुड लाइक टू प्रेज आवर कैप्टन एक्चुअली विक्रांत केणी, वो कुछ काम के वजह से बंबई में रुका हुआ था, केम लेट इन द हुबली कैंप, और आने के बाद यानी सुबह वो हुबली में अराइव हुआ और वो बोला तुरंत उसने इंटेंशन दिखाया कि मेरे को मैच खेलना है, और मैच वो खेला, और वो मैच में उसका जो खेलने का इंटेंसिटी था दैट वाज अमेजिंग। यानी मैं उसको तो ये ऐसे बच्चों को तो मेरा सैल्यूट ही है। यानी वो ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू हुबली वो ट्रैवल करके आया था, ट्रैवल करके सुबह उधर अराइव हुआ, 11 बजे उसका मैच था, 11 बजे उसका मैच में उसने जो बैटिंग करा था दैट इज रियली एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द प्लेयर्स। यानी वो एक जो डेडिकेशन होता है, और वो बैटिंग करके तुरंत शाम को चला भी गया वहां से, और वो जो डेडिकेशन उसने दिखाया था कि मैं इधर आया हूँ तो मैच खेल के ही जाऊंगा, तो दैट इज एन एग्जाम्पल। ऐसे यानी जो इंटरनेशनल खेला है, जिसने इंटरनेशनल में परफॉर्म किया है, तो आप डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, एक के आपको देख के वो डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर से परफॉर्मेंस का स्तर अपना बढ़ाए, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड अगेन वन फ्यू क्वेश्चंस फॉर from some bowlers in our Indian squad. So I would say कि प्रसाद सर आप थोड़ा सा bowlers को थोड़ा guide करेंगे। प्रसाद सर अभी online? Yeah.
तो प्रसाद सर के लिए एक दो क्वेश्चन है. एक्चुअली प्रसाद सर आप पेस बॉलिंग के माहिर हो, पर एक स्पिनर्स के दो हमारे क्वेश्चन है जो स्पिनर्स आर वेरी क्लोज टू यू. वन इज सुदीप लाला एंड अनदर इज अजित घराई. इज इट सुदीप लाला? या अजित घराई है वो ऑफ स्पिनर है. अजित का कहना है कि उनका कहना है कि मैं ऑफ स्पिन करता हूं तो बॉल ऑफ स्पिन होने के वजह से वो स्किट होके सीधा जा रहा है बॉल. और सुदीप लाला का कहना है कि मैं जब गुगली करता हूं तो बॉल टर्न नहीं हो रहा है, वो स्किट होके सीधा जा रहा है. तो ऑलमोस्ट द क्वेश्चन इज सेम. नहीं, पहला तो ऑफ स्पिनर की बात लेते हैं. या इन दोनों में एक चीज कॉमन है जो इनको पूछे बिना मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि ये दोनों वाइट बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं. और वाइट बॉल 4 या 5 ओवर पुराना होगा जब इनकी बॉलिंग आती है. बराबर बराबर. और वाइट बॉल नॉर्मली ऑफ स्पिनर टर्न 100% कर नहीं पाएगा, वो सीधे ही निकलेगी गेंद. तो T20 अगर खेलते हो आप तो आप टर्न करने के जुगाड़ में ना लगे, आपको सिर्फ 4 ओवर मिलने वाली है. अगर आप टर्न करने मैच में ट्राई करोगे तो टीम के लिए घातक होगा वो, क्योंकि बॉल ऑलमोस्ट सेमी न्यू से भी कम घिसा हुआ होता है. और ऑफ स्पिनर को बॉलिंग मिलती है मे बी 6th ओवर, 8th ओवर, 10th ओवर और 12th ओवर. तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप टर्न करने के इसमें ना जाएं. अगर रेड बॉल से बॉलिंग करते हो तो आपका बॉल डेफिनेटली जो 15 ओवर 20 ओवर के बाद आपको बॉलिंग मिलेगी, जो 3-day गेम होता है या 5-day गेम होता है या डेज का गेम होता है, उसमें टर्न होगा बॉल. इस क्रिकेट में टर्न नहीं होगा. रही बात सुदीप लाला के गुगली की, जब गुगली डाला जाता है तो वो ये बैक ऑफ द हैंड नहीं, जब बॉल रिलीज होता है लेग स्पिनर का तो थंब लगता नहीं है. जब गुगली डालना है तो ये थंब बॉल पे लग जाता है, तभी बॉल उल्टा स्पिन होता है पिच होके, फिर वो गुगली हो जाता है. तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सुदीप का उस दिन फोन आया था, श्रीदीप का, तो उसको बताया कि मैं जब वीडियो पे होंगे तब बताऊंगा कि लेग स्पिन की ये एक्शन होगी तो गुगली के लिए ये अंगूठा लगाना पड़ता है बॉल जब रिलीज करते हो तब, और बॉडी के नजदीक से रिलीज करना है, साइड से नहीं. ग्रेट, थैंक यू. सो सुलक्षण सर को भी पूछिए अगर कुछ इसमें इनपुट दे सकते हैं. सुलक्षण सर. यस सर, सुलक्षण सर आप कुछ इनपुट दे सकते हैं उसमें? नहीं, ठीक है, बराबर सही है. पर प्रसाद ने सही सही एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सही है. प्रसाद सर का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ ऐसा है कि वो बच्चे बहुत प्रसाद सर से कितनी बात करूं कितनी वैसा लगता है उनको. सो थैंक यू गाइस. एक सवाल ऐसा था, सुलक्षण सर आपके लिए एक सवाल था कि जब हम लोग बेसिक क्रिकेट का है कि एज अ कैप्टन या फिर एज अ ओपनिंग बैट्समैन हम लोग ग्राउंड को देखते हैं, ग्राउंड कंडीशन देखते, तो उसमें पहला जाके हम लोग देखते हैं विकेट. और हमारे इंडिया में कंडीशंस ऐसे ऐसे है कि वी गेट डिफरेंट सॉइल एट डिफरेंट स्टेट, एवरी स्टेट वी हैव डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट बाउंस. तो विकेट को रीड कैसे करना है? देखिए, डिपेंड अपॉन आप किस टाइप के क्रिकेट खेल रहे हो. अभी मान लो अगर ये अपना फिजिकली चैलेंज टीम का अपना अगर क्रिकेट चल रहा है, नॉर्मली हम लोग T20 खेलते हैं, तो T20 का फॉर्मेट है, तो आपके पास 20 ओवर का ही है. उसमें अभी प्रसाद सर ने अभी बहुत अच्छा है कि ये बोला कि बॉल हमेशा नया रहता है, हार्ड रहता है, तो 20 ओवर में हो के कितना पुराना होगा बॉल, तो बॉल वैसे ही हार्ड रहता है, तो विकेट भी उतना खराब होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि टोटल गेम ही 40 ओवर का है. अनलेस वो बहुत ही विकेट खराब ही होगा, बहुत दिन से मैच वहां पे सेम विकेट पे अगर मैच खेलते हैं. कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में 2 मैचेस होते हैं, शायद सेम विकेट पे 2 मैच होते हैं. तो जब ऐसे विकेट पे सेम विकेट पे 2 मैच होते हैं, उसमें जो थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग उसमें शायद थोड़ा सा वेयर एंड टेयर की वजह से थोड़ा विकेट ये हो सकता है. लेकिन जनरली जब T20 खेलते हैं
और फर्स्ट मैच होता है तो विकेट जनरली अच्छा होता है। अब वनडे का आप लो तो वनडे का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन कहाँ पे आप खेलते हो, वो भी है कि कौन से टाइम खेलते हो आप। आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन में खेलोगे तो आपको थोड़ा अच्छा स्विमिंग ट्रैक मिल सकता है, आपको थोड़ा ग्रास मिल सकता है। वही आप मार्च अप्रैल के बाद जाओगे तो ग्रास कम होता है, क्योंकि वो इतनी धूप की वजह से ग्रास होता भी नहीं है, पूरे साल भर क्रिकेट चलते रहता है। तो ये सारे डिपेंड करता है कौन से टाइम पे खेलते हो आप, कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हो आप, किस इसमें खेल रहे हो। रणजी ट्रॉफी होती है, इंटरनेशनल मैच होते हैं। अभी आप रणजी ट्रॉफी अगर देखोगे तो रणजी ट्रॉफी साधारण अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और अक्टूबर से स्टार्ट होने के बाद जब दिसंबर जैन में आते हैं तो अपना कंडीशन, वेदर कंडीशन एंड विकेट की कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा विकेट पे ग्रास रहता है तो बॉल सीम भी होता है, तो ये सारे कंडीशन देख के अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अगर एज फार एज अपना फिजिकली चैलेंज टीम का हम देखें और सिर्फ T20 के बारे में बात करें तो T20 में जनरली विकेट अच्छा मिलता है, उसमें सिर्फ 20 ओवर्स का ही गेम है। और प्रसाद सर ने अभी राइटली बोला कि चौथे पांचवें छठे ओवर में आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है कि वो स्पिनर को बॉल टर्न करने के लिए, या इवन लेफ्ट आर्म स्पिनर हो उनका भी बॉल, जो फिंगर स्पिनर है उनके पास टर्न कम होगा, रिस्ट स्पिनर का ही थोड़ा टर्न हो सकता है। तो ये हम कौन से फॉर्मेट में खेलते हैं वो डिपेंड करता है। ग्रेट। सो थैंक यू सुलक्षण सर फॉर योर फीडबैक। मैं एक सवाल विनोद देशपांडे सर को पूछना चाहूंगा। एज अ टूर्नामेंट कमेटी के हेड आप हो, तो आपसे कुछ सवाल ऐसे है कि हम लोग जो यंग बच्चे अभी इमर्जिंग आ रहे हैं, अंडर 19 है, 23 है, तो इनके लिए हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि हम लोग 50 ओवर का भी करने का ये कर रहे हैं, 20 ओवर के गेम कैसे होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, पर स्किल डेवलपमेंट के लिए आई थिंक 50 ओवर के गेम में एक स्किल डेवलपमेंट अलग लेवल का, स्किल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट लगता है, तो वो प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा बताएंगे बच्चों को तो अच्छा रहेगा। अभी जो टेंटेटिव प्लान बनाया है उसमें अगर ये क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो वी हैव टू फोकस ऑन अंडर 19 एंड अंडर 23, अंडर 19 अंडर 23 प्लस सीनियर्स। तो हम लोगों को 50 ओवर्स के गेम्स स्टार्ट करना है एज पर द BCCI नॉर्म्स, सर्कल रूल्स अप्लाई जो करते हैं, जैसे T20 में करते हैं। अभी T20 का क्रिकेट तो हम लोगों ने देखा है, इनका जो अब तक जो फाइंड आउट किया है मैक्सिमम ये दिव्यांग क्रिकेट का T20 टूर्नामेंट होता है, बट अगर इंटरनेशनल लेवल में अभी नेक्स्ट लेवल में जाना है तो 19 और 23 का जो प्रोग्राम बनाया है अभी थोड़े दिन में हम लोग उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे। आपने जो प्रोग्राम भेजा है उसमें हम लोग थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करके बहुत सारे एसोसिएशंस के साथ भी मेरी बात चल रही है और BCCI ऑफिशियल्स भी बात चल रही है कि अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीजन हम लोग अक्टूबर से चालू करेंगे। तो शुरू में 19 और 23 का फोकस करेंगे फॉर 50-50 एंड देन जैसे हमारा टूर्नामेंट शेड्यूल होता है, जैसे अभी ट्रायंगुलर कर रहे हैं, फोर नेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम का जो वर्ल्ड कप T20 करना है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। जैसे अभी इंग्लैंड में हमारी मीटिंग हुई, दीपक जाधव सर भी थे मेरे साथ, हम लोग साथ में ईयान के साथ मीटिंग किया, तो वाडेकर सर थे, अशोक वाडेकर सर थे। इस टाइम पे ऐसे डिसाइड हुआ है, टेंटेटिव डिसीजन हुआ है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंडिया इज होस्टिंग। तो T20 वर्ल्ड कप के साथ हमें 50-50 पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 50-50 में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन अंडर 19-23 प्लेयर्स, 19 एंड 23, बिकॉज उनमें जरा थोड़ा स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है और फिटनेस लेवल अच्छा रहता है। वो विकेट अगर डेवलप करेंगे तो ही आगे जाके 4-5 साल में हमें रिजल्ट देखने मिलेगा। वी विल नॉट गेट द रिजल्ट इमीजिएटली, इट इज नॉट इमीजिएट इफेक्ट रिजल्ट, वी विल गेट द रिजल्ट आफ्टर 4-5 ईयर्स। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट विद, वी हैव टू गो विद अंडर 19 अंडर 20, तो उधर कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा हमें। और उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल में जो आप लोग अभी इंडिया के लिए खेले हैं तो आप लोगों की सबकी हेल्प लगेगी कि जो बेसिक ग्रास रूट लेवल में जो क्रिकेटर्स है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे ये लाना है, उनके जोन्स कैसे बनाएंगे हम लोग डिसाइड करेंगे। बट ग्रास रूट लेवल में आपके जो शुरू में जो आपके साथ जो इतने सारे लोग खेले हुए हैं उनको साथ में लेके ही हमें करना है और एसोसिएशंस वाले हमें हेल्प करने को रेडी है। मोस्ट ऑफ द एसोसिएशंस आर हेल्पिंग अस, दैट आई अश्योर यू डेफिनेटली। ग्रेट, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एक प्रसाद सर के लिए, उनका चहेता प्लेयर एक हुबली कैंप से,
जिसने आखिरी दो मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और बिलवर्ड रविंद्र जगदाड़े, यू माइट हैव रिमेंबर्ड. अच्छा, प्रांत प्रांत साहेब, त्यांचा एक क्वेश्चन आहे. ही हैज वन क्वेश्चन के जो स्पीड, आई वुड लाइक सुलक्षण सर से भी मेरे को उसका फीडबैक चाहिए. एक्चुअली बहुत सारे बॉलर्स का ये होता है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, कि वो जो बोलता है कि नेट्स में बॉलिंग करते समय जो स्पीड होता है मेरे बॉल का, तो वो मैच में उतना स्पीड नहीं आता है. यानी उसको फीलिंग आता है कि वो मैच में वो स्पीड नहीं आ रहा है. तो व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम इन दैट? आई थिंक ये सब मेंटल रिलेटेड है. सो ये मेंटल रिलेटेड है. हाँ, सिर्फ मेंटल रिलेटेड है, क्योंकि नेट में अंपायर खड़ा नहीं होता है. हाँ, पहली बात, अंपायरिंग के लिए नेट में खड़ा नहीं होता है. फिर हम थोड़ा सा चांस लेके एक एक फीट आगे से बोलिंग डालते हैं, और फिर वाइड गया तो अंपायर चिल्लाता नहीं है वाइड. नो बॉल गिरा तो फ्री हिट की डर नहीं होती है, फ्री हिट पे चार रन मारेंगे वो डर नहीं होता है. जब मैच में आते हैं, अंपायर आता है, जब नो और वाइड का है तो बॉल स्टंप टू स्टंप डालने में 3 या 4 यार्ड पेस कम हो जाता है. तो मैच के बजाय नेट में ही प्रैक्टिस करें आप, कि नो बॉल ना डाले, वाइड बॉल ना डाले, तो वही पेस आपकी मैच में बरकरार रहेगी. तो ये सब मेंटल है, जो हमारी सबकी, इवन टेस्ट प्लेयर्स हैव गॉन थ्रू दिस. एंड नॉर्मली क्या करते हैं, जब नया बॉल मिलता है हाथ में तो सीम अप बॉलिंग नहीं करते आजकल, सारे क्रॉस सीम पकड़ के बॉलिंग करते हैं. उस क्रॉस सीम पकड़ के जब बॉलिंग करते हैं तो उसमें भी जब सीम अटक जाती है तो 2-3 यार्ड पेस कम होता है. जो बॉल ग्लॉसी साइड पे गिरता है वो थोड़ा सा स्किड होता है, पर स्विंग नहीं होता है. तो सीम अप करके ही आदत करो, और जितनी ऑफ स्टंप पकड़ के बॉलिंग करोगे उतना ही पेस अपना अच्छा रहेगा. और अंपायर भी नेट में खड़ा रखो, एक एक प्लेयर को, अंपायर के जो बैट्समैन होगा उसको, जिसकी बैटिंग हो गई हो या जिसकी बैटिंग बाद में है, उसको अंपायर की जगह पे खड़े रखिए आप, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है प्रांत सर? यस, थैंक यू सर, थैंक यू. आई थिंक रवि विल बी मोर सैटिस्फाइड. सुलक्षण सर, आप कुछ उसमें फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि एक सवाल अंशुल से भी है, कि जो बोल रहा है कि मैं बॉलिंग करते समय मेरा सर गिरता है और मेरा फुल टॉस जाता है, लेग स्पिन करता है वो. आप, यू माइट हैव नोन इट परफेक्टली. तो उसका ये प्रॉब्लम है कि वो फुल टॉस जाता है. तो आई थिंक दीज आर मोस्टली मेंटल प्रॉब्लम, और ये जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के ही वो रेक्टिफाई होता है, उनको देख के, कि वो वही स्पेस से नेट्स में बॉलिंग करते हैं, वही एक्यूरेसी से नेट में बॉलिंग करते हैं, वही एक्यूरेसी से मैच में भी बॉलिंग करते हैं. तो व्हाट इज दैट डिफरेंस, कि वो डिफरेंस और वो रेक्टिफाई कैसे किया जाए, यानी ये जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? बेसिकली क्या है कि एक आप स्पॉट बॉलिंग करते जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्पॉट बॉलिंग बहुत करना चाहिए. जितने आप बॉलिंग करोगे, जितने आप नेट्स पे बॉलिंग करोगे, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने मुंबई के ग्रेट बॉलर्स, स्पिनर्स, पद्माकर शिवलकर या कोई भी उस वक्त के जो स्पिनर्स थे, उनको मैं हमेशा देखता था कि नेट में स्टार्ट टू एंड बॉलिंग करते थे, 3-3 घंटे बॉलिंग करते थे. और वो हमेशा जब वही करते थे कि उनको स्पॉट पे डालना है, स्पॉट पे बॉलिंग करना है. ये जब 3-3 घंटा रोज बॉलिंग करके उनको फिर स्पॉट मिलता था, तो स्पॉट मिलना या स्पॉट पकड़ना ये बहुत बड़ी एक ये है, एक आदत होती है. तो मैं सजेस्ट करूंगा अंशुल को या किसी भी स्पिनर को कि आप स्पॉट बॉलिंग की प्रैक्टिस करें. जितना आप स्पॉट बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी प्रसाद ने राइटली बोला कि जो अभी जगदाले साहब के लिए कि नो बॉल वगैरह, तो ये सारे चीजें है, पूरा मेंटली है. इसके पहले आप अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इतना करो कि इसमें ना नो बॉल गिरे, ना वाइड बॉल गिरे, स्पॉट पे डाले. जितने आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस आप मैच में कैरी करने जाओ. ये जो फुल टॉस बिल टॉस जो होते हैं, ये फुल टॉस आपकी उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है, और फिर सडनली आप मैच में जाते हो, और क्या होता है कि खास करके स्पिनर को, लेग स्पिनर को, इनको ये लोग नया बॉल से डायरेक्ट 2020 में नया बॉल ले करते हैं, तो नया बॉल ग्रिप करना इतना इजी नहीं है. तो आप प्रैक्टिस भी ऐसा करो कि प्रैक्टिस भी आप नया बॉल से करो. जितने आप नया बॉल से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आदत लग जाएगी नया बॉल से ग्रिप करने की, बॉलिंग करने की, वो शायद मैच में आपको फायदा होगा. लेकिन घूम फिर के मैं बोलूंगा कि आप स्पॉट बॉलिंग जितना अच्छा करेंगे अच्छा रहेगा.
थैंक यू सुलक्षण सर, एक बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है. ऐसे में सोच रहा हूँ कि यानी क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं. अब सब क्वेश्चंस को हम लोग नहीं दे सकते, तो आई विल ओवर टू दीपक जादव. दीपक जादव सर, आई थिंक सिक्स इज ओवर नाउ. शैल वी कंटिन्यू और वी विल स्टॉप? How many questions Hello. Are pending? Almost 4 or 5 questions are pending. Just read them out. एक चंदू करके प्रश्न ये है और करसन सर है, ये करसन सर के लिए क्वेश्चन था. बिग मैच का प्रेशर कैसे हैंडल करना है एज अ बैट्समैन और अ बॉलर? एक बिग मैच का प्रेशर कैसे हैंडल करना होता है? करसन सर को पूछिए, कैन यू आंसर दैट? नहीं, कृष्णन सर इज नॉट अवेलेबल नाउ. तो सुलू सर बता सकते हैं ये क्वेश्चन? वो ऐप सबसे सुलू सर ही बता सकते हैं. या बिग मैच का आपने जरा क्वेश्चन पर रिपीट करेंगे प्लीज? एक उसका क्वेश्चन ये है कि बिग मैच का प्रेशर कैसे हैंडल करें एज अ बॉलर और अ बैट्समैन. यानी कोई फाइनल है, जैसे हमारा इंडिया इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, तो ये लेवल का प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करें? मैं इसके लिए बोलूंगा कि दोनों के लिए, बॉलर एज वेल एज बैट्समैन, कि आप ये पहला दिमाग से निकाल दो कि ये फाइनल है. आप ये सोचो कि आपकी एक नॉर्मल मैच है, आप अगर उस लेवल तक खेल रहे हो, आप सेमीफाइनल तक खेले हो और आपने बिना कुछ प्रेशर लिए आपने परफॉर्म किया और आप फाइनल में आ गए, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस. उस प्रोसेस को आप फॉलो करो. जैसा प्रोसेस है वही प्रोसेस है. अगर आप दिमाग में वो मैच के बजाय अगर फाइनल को डाल दो, तो आप अपने आप पर प्रेशर डाल रहे हो और वो प्रेशर हमेशा आपको खाते जाएगा. आप बॉलिंग करने के टाइम भी आप सोचोगे कि यार फाइनल में डाल रहा हूं मैं फाइनल में डाल रहा हूं, तो आपके सारे मसल्स आपके पूरे टाइट हो जाएंगे, आपका प्रेशर रहेगा देश पे अपने आप पे. तो ये प्रेशर की वजह से आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है. यही अगर आप नॉर्मल मैच की तरह रिलैक्स रहोगे, नॉर्मल मैच की तरह आप जाओगे और अपना प्रोसेस पे ध्यान रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस. आपका जो चल रहा है रनअप है, आपका रिदम है, रिदम पे फोकस करो, आपकी सीम पोजीशन पे फोकस करो, आपका स्पॉट पे आप फोकस करो कि मुझे कौन से स्पॉट पे डालना है. ये हो गया सारा प्रोसेस. वैसे ही बैट्समैन को अपने प्रोसेस में जाना चाहिए. बस बॉलर डालेगा बॉल, बॉल के मेरिट पे आपने खेलना है. ये नहीं कि बीच में फाइनल मैच है या सेमीफाइनल है. जिस टाइम आप उस फाइनल को आप देखोगे, उस सिचुएशन को देखोगे, तो आपका फोकस हट जाएगा अपने प्रोसेस से. तो मुझे लगता है ये मैच टेम्परामेंट जो है, कितना भी मैच टेम्परामेंट हो, लेकिन आप प्रोसेस को फॉलो करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा. That's great. So I think yes, Virat sir, would you say anything? थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ. वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग के आप देखे होंगे कि जो उसने जो 100 किए है या 200 के, जो 100 किए हुए बड़े बड़े 100 किए हैं उसने, तो सिर्फ छोटे 100 करके आउट नहीं होते, तो प्रेशर कैसे लेता है? राजकोट के मैच में इंडिया ने 425 रन बनाया था, वीरेंद्र सहवाग स्कोर 177. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं उसको लेके जा रहा था, तो उसको पूछा कि हाउ यू आर हैंडलिंग द प्रेशर एंड इतना बड़ा विरूपा, आप इतनी सौ तक करते हो लेकिन बड़े सौ कैसे करते हो? ये जरा थोड़ा ये कि आप कंसिस्टेंटली लास्ट 5 मैच देख रहा हूँ, CCI पे 200 किए हैं, 287 किए हैं, सब बड़े बड़े स्कोर से किए हैं. तो बोला मैं कुछ नहीं, मैं प्रेशर लेता ही नहीं हूँ. बोला प्रेशर लेता है तो ऐसे कैसे होगा ना, प्रेशर लेता है नहीं. तो नहीं, मैं उसको पूछा कि आप 50 पे आए, 100 पे आए, तो थोड़ा सा बॉडी हेवी हो जाता है ना आदमी का. तो बोला नहीं, मैं ऐसा सब सोचता नहीं है, मैं सिर्फ मेरे चौके गिनता हूँ. मैं सिर्फ चौके गिनता हूँ कि चलो 8 चौके 9 चौके हो गए, तो समझो चलो अभी 50 तक है. लेकिन मैं ऐसे गिनता हूँ कि मेरे 8 ही रन हुए अभी, या 8 चौके भी गिने तो भी मेरे 30 ही रन हुए, 50 के आसपास पहुंचे ही नहीं. तो 100 तक उसके 20 चौके हो जाते हैं, मैं 70-80 पे हूँ. तो एक्चुअली ये उसका लॉजिक अच्छा लगा, ये भी बच्चों को माइंड में ले सकते हैं. इसीलिए मैंने थोड़ा ये किस्सा कहा कि वीरेंद्र सहवाग क्या सोचते हैं बैटिंग करते, इसीलिए वो सिटी बिटी बजा के आराम से 294 में भी 6 मार सकता है ना. लेकिन सर लेकिन वीरेंद्र सहवाग है, विनोद देशपांडे या प्रसाद देसाई नहीं कर सकते हो, तो वीरेंद्र सहवाग नहीं कर सकता है. विनोद सर ये भी क्लियर कर दीजिए
तो बच्चे सिर्फ बाउंड्री मारने के पीछे लग जाएंगे। वो वैसे नहीं समझे, वैसे नहीं, बराबर सिंगल डबल भी लेता था, वो बोलते सिर्फ चौके गिनता हूँ, मेरे चौके गिनता, चौके का मेरा स्कोर है बस। बराबर है प्रसाद सर का, अच्छा गुड पॉइंट। विनोद सर ने बताया था चौके मारता है सहवाग, तो हम भी चौके। यस यस यस, यू आर राइट सर। देखो मैं अभी इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सौरभ। हाँ सौरभ, कैन यू हियर मी? या या या। सो इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे विक्रम अपना वीरेंद्र सहवाग के बारे में बोला, वैसे ही मैच में वसीम भी है और विक्रांत केणी भी है। यस, वसीम भी है और विक्रांत केणी भी है। हम लोग ले लो वसीम को वीरेंद्र सहवाग में, करेक्ट, और विक्रांत भी है, विक्रांत भी उतना ही यूजफुल प्लेयर है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसी 2020 ओवर के मैच में बिना सिक्स मारे वो सिंगल डबल निकाल के मैच जिता के देते हैं। बराबर है, और उतना ही उतना ही वैल्यूबल प्लेयर है। देन उसका टेम्परामेंट, जब 8 रन पे इंडिया 4 विकेट जाती है और उसके बाद जो मैच जिता के देता है लास्ट तक, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं टेम्परामेंट, बिग मैच टेम्परामेंट। एब्सोल्युटली। या ओवर टू यू। थैंक यू गाइस, आपका आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। तो आई थिंक विल नियर टू द फिनिश ऑफ द सेशन। नहीं, किसी किसी के और क्वेश्चन होंगे तो बताइएगा प्लीज। सौरभ, आई विल आस्क प्रसाद सर स्पेशली। प्रसाद सर, आर यू ऑल ओके? सुधु सर, विनोद सर, आर यू ओके? ओह यस यस यस, नो प्रॉब्लम। Yeah, so last week, sir, you had encouraged boys with clean kit contest. Yes. अपना अपना और आपने वीडियोस भी देखे सब बच्चों के जिन्होंने ये क्लीन किट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो सर आप प्लीज उस क्लीन किट कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर कीजिए। और सॉक्स चेक किए क्या सबके? नहीं, कई किट्स मैंने देखे पहले ही। सॉक्स सॉक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, हम लोग सॉक्स चेक कर लेते हैं। सॉक्स सॉक्स का तो किसी ने दिखाया नहीं, पर बहुत से बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने पैड्स साफ करके फिर उसके ऊपर साफ कर रहे थे। नाम नहीं लेना चाहता। बराबर। और मेरे को समझाने की बैड भी पानी से दो जनों ने धोई है, इससे पैड साफ हुआ है, उससे बैड भी साफ हुई है। कृपया बैट साफ करने के लिए मैंने अपने ग्रुप पे डाला भी था कि बैट पानी से और पानी साबुन के पानी से बैट साफ ना करें। ओह माय गॉड। बैट साफ करने के लिए एसीटोन यूज करें, उससे बॉल के मार्क चले जाते हैं। तो इसका विनर है मोंडल, आई डोंट रिमेम्बर हिज फर्स्ट नेम। सतीश सर, सतीश मोंडल। कांग्रेचुलेशंस मोंडल। सतीश कुमार मोंडल, आई थिंक दैट्स सतीश कुमार, डोंट थिंक समबडी एल्स विल टेक। नहीं नहीं, सतीश कुमार इज लास्ट नेम, मोंडल इज स्पेल्स M A N D O L E, मोंडल मोंडले। हां मोंडले का भाव मोंडल, मोंडल ना, मोंडोल मोंडोल मोंडोल, एंड अवर्स इज मेंडल मेंडल। Yes, sir. So, congratulations, Satish. Thank you for participating. In fact, thank you to all the participants to participate and send those videos. Sulu sir ne bhi ek achhi competition rakhi thi for mental visualization. Prasad sir ne last week aur ek sujhav diya tha sabhi ko. के मैचेस आप देखिए और मैचेस के नोट्स बनाइए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट। प्रसाद सर, हाँ सर, एक बार आप फिर से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वॉचिंग मैचेस एंड मेक नोट्स ऑफ दोस थिंग्स। आपने लास्ट वीक इसको सजेस्ट किया था, आई थिंक संजय भैरव को आपने सजेस्ट किया था। संजय भैरव को सजेस्ट किया था और सारे प्लेयर्स को ही सजेस्ट किया हूं कि जो मैचेस चल रहे हैं अभी, रीजन चल रहा है, उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखो। हमारे ख्याल से ये सारी मैचेस हमको बाय हार्ट है, क्योंकि मैंने खुद इतनी बार देखी है। आई कैन टेल यू विच बॉल विल विच और विच बॉल व्हाट विल हैपन। सो प्लीज मेक अ नोट। और एक प्लीज, सुलक्षण सर ने तो आपको बार बार बोला होगा, एक नोटबुक मेंटेन करो, जो भी मन में आता है लिख के रखो,
ये कंप्यूटर आया है तब से तुम बहुत डिपेंडेंट हो गए तुम्हारी पेन ड्राइव पे, तो प्लीज प्लीज एक नोटबुक सब लड़कों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फाइनल 120 बॉयज की 10 जनों ने या 8 जनों ने ही सिर्फ किट का वीडियो पोस्ट किया है. बाकी लोगों ने सोचना कि तुमको अपने यहाँ से किट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. कि तुमको अगर तुम्हारे किट पे कदर नहीं है तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट ओनली 10 वीडियोस वर पोस्टेड आउट ऑफ आई डोंट 1000 बॉयज ऑन द ग्रुप. यस सर, दैट इज ओनली 0.1%. यस सर, वेरी बैड, व्हिच इज नॉट टेकन बाय मी वेरी वेरी लाइटली. प्लीज टेक नोट ऑफ दिस बॉयज. ये ध्यान रखना, यू हैव इंसल्टेड नॉट मी, यू हैव इंसल्टेड योर गेम. तो जब भी कोई कॉम्पिटिशन देता है आपको, हम लोगों के लिए टाइम पास नहीं है ये सब. यस सर. सर सिमिलरली हमने इनफैक्ट अमोक पंडित सर ने भी बच्चों के लिए एक्सरसाइज रेकमेंड किए थे फॉर यू नो स्टेइंग फिट व्हाइल दे आर एट होम. तो सुलू सर आप भी अपील कीजिए बच्चों को कि यू नो दे शुड टेक देयर पर्सनल फिटनेस इन अकाउंट व्हाइल दिस लॉकडाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सो सर आप देखिए, मैं अपील करने के लिए ये मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी को अपील करना पड़े इस लेवल पे. जो हम लोग 120 बॉयज या 500,000 जो भी बॉयज है जो खेलना चाहता है, जो ड्रीम देख रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ इंडिया खेलना है, उसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं होती है. वो अपने आप आ जाता है. उसके लिए अपने अंदर से दिल से आना चाहिए कि अगर मुझे खेलना है, अगर मुझे उस लेवल पे खेलना है तो मुझे कितनी फिटनेस की जरूरत है, कितनी मेंटल प्रैक्टिस की जरूरत है, कितने ड्रिल्स की जरूरत है. ये खुद जब तक वो प्लेयर खुद अंदर से नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा. तो अपील तो कर सकता हूँ, आप कीजिए, ये कीजिए, आपका किट आप क्लीन कीजिए. लेकिन किट क्लीन करने के लिए आपको अपील करना पड़ता है, ये मुझे बहुत खराब लगता है. ये उसी तरह फिटनेस आप कीजिए, आप थोड़ी बैटिंग कीजिए, बॉलिंग कीजिए, स्पॉट बॉलिंग कीजिए. ये इस लेवल का नहीं है, ये मैं छोटे बच्चों को बोलता हूँ. मेरे अकेडमी में छोटे एक 10 साल 12 साल के बच्चे है, उनको मैं बताता हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं. हम लोग जो जिस जहाँ पे जिस लेवल पे अभी बात कर रहे हैं ये सारे सीनियर हैं. तो ये अपने आप से अंदर से आना चाहिए, और जिस दिन वो अंदर आएगा तब आपको किसी भी चीज की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन अंदर से आएगा. सुलू सर ने जो बोला एकदम करेक्ट है. अगर ये लेवल में क्रिकेट खेलने के बाद अगर अपील करनी पड़ती है, जब सीजन स्टार्ट होगा उसी टाइम दे में गेट एक्सपोज्ड. अगर उनको कॉम्पिटिटिव लेवल में आना है, फाइनल 20 में आना है, फाइनल 30 में आना है, तो दे हैव टू कीप देयर सेल्फ फिट, देमसेल्फ फिट. तो उसको कोई चॉइस ही नहीं है, देयर इज नो चॉइस. उनको चॉइस नहीं है कुछ भी. अपील करके फायदा नहीं, अपील करके क्या फायदा है. उनको खेलना है अगर टॉप क्रिकेट, तो दे हैव टू डू इट. नो एक्सक्यूज फॉर दैट, व्हाट आई मीन टू से. ओवर टू यू. Thank you, Deshpande sir. Thank you, Sulakshan sir. Thank you, Desai sir. Sir, for Saurav. Saurav, आज हमने इतने सारे questions लिए. What I want to do is encourage boys. है ना, सब बच्चों को encourage करना है कि उन्होंने अच्छे questions ना हमारे panel को पूछने चाहिए. You know, basic question skill related है. वो तो आपका कोच, लोकल कोच तो एड्रेस करेगा ही करेगा, बट जब हमारे पास इतने अच्छे एक्सपर्ट क्रिकेटर्स हैं, सो क्वेश्चन शुड बी अप टू दैट मार्क. सो माय अपील टू ऑल द बॉयज इज दैट यू नो बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट ड्रेसिंग रूम की बातें के सेशन, डू सम होमवर्क, आस्क सम क्वालिफाइड क्वेश्चन. जो क्वेश्चन सुलू सर को आंसर देने को, देसाई सर को आंसर देने को, देशपांडे सर को आंसर देने को, या फ्यूचर में कोई अच्छा क्रिकेटर हमारे साथ इस चैनल पे आया तो उसको आंसर देने को भी मजा आएगा, और वो बोलेगा नहीं इनको वाकई क्रिकेट अच्छी तरह समझ. एंड टू एनकरेज दैट वी शुड स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. तो सौरव इफ यू कैन पॉइंट दैट. या करेक्ट. सो मेरे पे आया कैमरा विद नो सर पे. यस, वी आर इन अ ग्रिड व्यू, तो एवरीबॉडी कैन सी ऑल फोर ऑफ यू. सो आज का सेशन काफी ठीक रहा, यानी पिछले सेशन से आज का सेशन अच्छा रहा.
बेसिकली मैं बच्चों को कुछ कहना चाहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें है, एक कंसेप्ट इसके पीछे ये है, ड्रेसिंग रूम इज अ मेंटल प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर। और एक जैसा मैंने पहला बताया था और सुलू सर ने बताया कि एक मेंटल प्रिपरेशन यानी एक कैरेक्टर बनता है। देखो, हर प्लेयर अपने अपने स्टेट से खेल के आता है, अपने अपने कोचेस से ट्रेनिंग लेके आता है। हर एक प्लेयर को पता है बैटिंग कैसे करनी है, फुटवर्क क्या है, बॉलिंग कैसे करनी है, सीम कैसे पकड़नी है, बॉल कैसे डालना है। तो टेक्निकल डिफिकल्टीज है, ये फोरम पे टेक्निकल डिफिकल्टी के बारे में क्वेश्चन करने से अच्छा है कि मेरे को अच्छा लगेगा कि आप जो टेक्निकल एबिलिटी होने के बावजूद कोई बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं होता है, या टेक्निकल एबिलिटी होने के बावजूद भी, जैसे मैंने प्रसाद सर को पूछा कि एक डिफरेंस होता है जो स्पेशल प्लेयर होता है और एक ऑर्डिनरी प्लेयर। ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं है कि उसको क्रिकेटिंग स्किल नहीं है, उसके पास फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये नहीं है। ऑर्डिनरी प्लेयर वो नहीं है, ऑर्डिनरी प्लेयर मेरे हिसाब से वो है जो मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर वो है जो मैच में परफॉर्म करता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी क्यों बोलते हैं उसको, कि अगर वो 10 मैच खेलता है तो आउट ऑफ 10 ही परफॉर्म इन 8 मैचेस, ऐसा नहीं है कि 10 में से 1 मैच में परफॉर्म करे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए एक मेंटल जेस्चर होना चाहिए, कि मेंटल प्रिपरेशन होना जरूरी है डिस्पाइट ऑफ ऑल इंजुरीज। देखो, बहुत बार हमने देखा है कि प्लेयर इंजर्ड होने के बावजूद भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक तेंदुलकर, अनिल कुंबळे, संजय मांजरेकर, सुलक्षण कुलकर्णी, माइट हैव नोन फ्यू मोर नेम्स देन दिस। तो जो इंजरी होने के बाद भी वो मैच में रहे, उन्होंने परफॉर्मेंस किया और मैच जिताए, तो ये मैच सिर्फ स्किल पे नहीं जीते वो, डिस्पाइट ऑफ दैट स्किल उन्होंने अपना मेंटल प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग था उनका कि वो मेंटल प्रिपरेशन के वजह से वो उन्होंने जितवाए। तो ये मेंटल स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है, एक सीनियर के साथ जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हम लोग जानते हैं, जिसमें द्रविड़ और लक्ष्मण का एक स्पेशल इनिंग हुआ था, डिस्पाइट ऑफ हम लोग बहुत पीछे थे और वो ऑलमोस्ट हम लोग मैच हार चुके थे। वो हारने के सिचुएशन में फॉलो ऑन लेके हमने जो दोनों ने मैच खेला है, यानी पूरा दिन बैटिंग, ऑलमोस्ट दे बैटेड फॉर 2 डेज, और ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल के उन्होंने जो मैच जिताया था, ये सिर्फ मेंटल एबिलिटी से ही पॉसिबल होता है, और वो हर बार नहीं होता है। ये एक हिस्ट्री जो क्रिएट किया उन्होंने, तो उसके लिए उनका मेंटल प्रिपरेशन क्या होता है। एक जनरल टीम अपनी जो स्टेट की टीम है और इंडियन टीम में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेंटल प्रिपरेशन वो कैसे करते हैं, मेंटल ड्रिल्स क्या होते हैं, मेंटल प्रिपरेशन कैसी होती है। तो आप भी उस तरीके से सवाल पूछो जिसमें से ये पैनल के जो लोग हैं उनकी उनकी प्रतिभा को वो शोभा दे, वो आंसर करना, और उनसे जितना आप बाहर निकाल सकते हो वो निकालो। देखो, क्रिकेटिंग स्किल के लिए आपको उधर लोकल कोचेस भी मिल जाएंगे कि बॉल कैसे टर्न हो रहा करना है, बॉल पिच होने के बाद स्किट हो जाता है, ये सवाल, ये आई डोंट थिंक ये सवाल ये फोरम पे होने चाहिए, क्योंकि वो तो टेक्निकल स्किल्स है कि फुटवर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप डिस्कस करो कि मेंटल स्किल्स कैसे डेवलप करें, क्योंकि देखो बहुत सारे बैट्समैन मैंने ऐसे देखे कि जिनके पास स्किल की बहुत कमी है, पर स्किल की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हर एक जन का अलग स्किल होता है, बेसिक्स जो है उनके वो जो है बेसिक उनका ही है, वो मेंटल स्ट्रॉन्ग टफनेस है। तो आप सवाल भी ऐसे पूछो कि उसमें आपके मेंटल टफनेस कैसे ये हो, एनहांस हो, तो ऐसे सवाल आप पूछो। आई वुड थिंक ये पैनल में से भी कोई उस पर बात करना चाहे तो पूछो कि आप बच्चों को थोड़ा गाइड करो कि कैसे सवाल होने चाहिए और क्या होना चाहिए। तो आई वुड लाइक ऐड करो इसमें, या सुलक्षण सर, या सेम इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ कि जैसे आप मेंटल आप ये करते हो, प्रैक्टिस करने को आप बोल रहे हो, वैसे ही ये लोग जब T20 का मैच अगर देखेंगे, आप पुराने वीडियोस आप देखो IPL के, इंटरनेशनल के जो भी मैचेस है, वर्ल्ड कप के, इसमें ये प्लेयर को ये भी सीखना है कि आप टैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान दो, आप टैक्टिकल आप थोड़ा ध्यान दो कि आप कैसे मैच जीते जाते हैं, कैसे पार्टनरशिप कैसे होता है, फर्स्ट 6 ओवर में क्या प्लान होता है, बॉलर बैट्समैन दोनों भी, बॉलर क्या डालता है, बॉलर क्या लाइन डालता है, बॉलर के पास एक फॉर एग्जांपल, मुझे प्रसाद यहाँ पे एग्री करेगा कि हर बॉलर का कितना भी हो उसका स्टॉक बॉल जो होता है वो यूज करता ही है। अब स्टॉक बॉल ये है कि आपका लेंथ बॉल,
तो लेग बॉल फर्स्ट सिक्स ओवर में कब यूज करना है, स्लोअर वन कब डालना है, बाउंसर कब डालना है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं और उसको ही बोलते हैं टैक्टिकल चीज। वही उसी तरह बैट्समैन फर्स्ट सिक्स ओवर में क्या शॉट्स खेलता है, फिर पार्टनरशिप का एक स्टेज होता है 7-14 तक, ये 7-14 में ये कौन से शॉट्स खेलते हैं। तो फिर आप रोहित शर्मा को देखो, रोहित शर्मा T20 में भी 100 करता है, तो वो कैसे करता है। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो और ये ऑब्जर्व करके जो टैक्टिकल आप इनपुट लेंगे उसमें आपके गेम के लिए बहुत फायदा होगा। मुझे ये ऐड करना था सौरभ। या थैंक यू। सो ऐसे ये जो सर ने अभी बताया कि टैक्टिकल कुछ ये चीजें होती है कि कौन से बैट्समैन को कैसे रीड करना है, कैसे बॉलिंग करनी है, सात ओवर में कैसे पावर प्ले में कैसे बॉलिंग करनी है, पावर प्ले के बाद कैसे बॉलिंग करनी है, और कौन से बैट्समैन पावर प्ले में कौन से शॉट खेलता है और पावर प्ले के बाद कौन से शॉट खेलता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन आप करो, उसका आप खुद पढ़ाई करो, वो देखो मैचेस, आप उसकी खुद पढ़ाई करो, उस पे आपके जो सवाल है वो सवाल बनाओ और वो सवाल पूछो, तो वो उभर के आएगा। आप इंटरनेशनल सवाल भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने खुद के लिए ही सवाल पूछना, ये बात नहीं है कि आप ओवरऑल मैच सिचुएशन या आपने देखे हुए मैच में क्या हुआ था उसके बारे में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है वो पूछो, टेक्निकल डिफिकल्टी भी पूछो, बट ये भी पूछो कि आप ये कैसे हुआ था, यानी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ये कैसे अचीव किया था, टारगेट कैसे अचीव करते, उसके बारे में पूछो, सो दैट विल बी बेटर आई थिंक। सो थैंक यू दीपक सर। यस थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच देशपांडे सर, थैंक यू सुलक्षण सर, थैंक यू देसाई सर, थैंक यू वेरी मच। यस दिस आई थिंक ये सेशन काफी प्रोडक्टिव रहा। I think boys would take a little more their cricket more seriously, जैसे सौरव suggest कर रहा था कि हम खुद को limit कर रहे हैं, open up your mind, do some homework। ये session आपके लिए है, हम में से कोई भी यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं आ रहा है, आपको कुछ कहने को नहीं आ रहा है, but how we can share inputs with you। Absolutely. So, yeah. So with that, we will end today's session. Thank you, everybody. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.